जिंदगी में मस्ती बरकरार रहनी चाहिए और मौज मस्तियाँ चलती रहनी चाहिए और एक दूसरे को जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। कल ही 12th का रिजल्ट निकला और मैंने फ़ोन लगा दिया एक ऐसी लड़की को जो टॉपर बनी है, और उसने कहा मेरे टीचर्स, मेरी प्रिंसिपल मैम, मेरे प्रिंसिपल सर और इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स, पता नहीं क्या क्या बोल गई। पहले मैंने इमिटेट किया एक टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आगे सुनेंगे आप। लेकिन जिस तरह से कमला जोशी, जो 97.6 जिनने अभी मार्क्स स्कोर किए हैं 12th में और बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने, तो उनको कल मैंने पकड़ा और किस तरह से उनसे बातें हुई, क्या हुई, वही आपके सामने। पिक्टोरियल भी है, साथ में कुछ यादें हैं अच्छी लगेंगी जो पार्सली हैं, और जो B1 है कईयों ने सुन भी लिया होगा, और सुनिए कि किस तरह से हमने क्या किया था। कहते हैं कि ज़िंदगी में बस चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, और जब रुकने का मन करे तो फिर चलते रहना चाहिए, यानी कि आराम करना चाहिए थोड़ी देर, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तो जारी रखिए आप लोग इस सफ़र को, और इसी तरह सब लोग आगे बढ़ते रहिए, और देखिए कमला और मेरी थोड़ी सी मस्तियाँ और थोड़ी सी नादानी और थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसे, कि थोड़ी सी फुकरापंती टाइप की कुछ हंसी के पल, क्योंकि सेलिब्रेशंस का अलग अलग सबका मूड होता है, हमने कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया। हेलो, सॉरी इट यस गॉट सर, डिसकनेक्टेड, सो वील स्टार्ट अगेन कमला, ओके। सो यस नो सर, वी आर कमला, वेरी हैप्पी सर। एक्चुअली आई एम फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, सो यू आर स्टडिंग एट MSBH NIPVD। सो व्हेन आई टॉक टू योर टीचर्स दे टोल्ड मी दैट यू हैव स्कोर 97.6, सो हाउ डू यू फील कमला? वेरी ग्रेटफुल, इट्स वेरी नाइस मोमेंट फॉर मी, यस बट आई एम फीलिंग वेरी गुड। So when I ringed up to your school, and your teacher told me, the vice principal of the school, actually he's in charge, principal of the school, he told me that you're totally blind. So how does it feels when you received that news that you have topped the school? What was the reaction from your parents? So, yeah. so are you from Dehradun or from somewhere else? You belong to which place actually? Your native place? Uttarakhand, Champawat. So you're from Champawat, one of the district from Uttarakhand, huh? Yes, but at present time, I'm living in Delhi, New Delhi. Yeah, you're in Delhi. What do your parents do actually? My father is in PRD, and mommy housewife, and my brother. PGT teacher. So, how do you feel that during this COVID-19 you are receiving this type of good news? Okay. Yes, So, sir. how is the atmosphere at your home? How you are celebrating all your success, Kamla? So I know, you don't have words for those. Actually, you have scored so much, like 97.6 marks. Okay, so tell me one thing, Kamla. Are you there? Yes, sir. You are getting my voice? Yes, sir. So tell me one thing, as you have now cleared class 12th. So, what are your future plans? Like, which stream you will be opting, or what is your future plan? In short term, if I talk about short term, so finally, now I want to take best college. But if I talk about further, then I want to be in the field of UPSC, and I think I will do. Okay, Kamla, best wishes for your accomplishment. And now I'm transferring your call to one of my colleague at one of the Pahadi station. He is from Nainital and one of the Pahadi local radio. So would you like to talk to him? Okay. तो कमला पे अल्ले मैं सुनी कि ने तुम्हार घर चंपावत है रनी छाबल तुमने यस हाँ तो हाँ
जब तुमको रिजल्ट मिला कमला, कौस लागा? बढ़िया लाग छो। हाँ तो घर में कौस माहौल छे, सब की नहीं मिठाई उठाई बाड़ी है या बाटला आने बाण है? हाँ अच्छा, मैंने तुम्हारे स्कूल फोन कर रहा छे तो सब बतना छे कमला बहुत बदमाश छी और पढ़न वड़न में ठीक ठाक छी, लेकिन बदमाश छी मतलब ना मैं कौस। बहुत बड़ी थी और तातस ना अच्छा, कमला यो बतवा कि अब जसके पहाड़ों बटी आ गया छा और मैंने सुना कि तुम मतलब पूर्ण दृष्टि बाधित छा, तो अगिल जी। अगिल का कहाँ पढ़ना प्लान छे? हाँ अब मैं दिल्ली पढ़ लूँ जिसमें सोच रहा था बड़ी कॉलेज में टॉप कॉलेज। अच्छा, अब मैं अपन अंतिम प्रश्न में आ गया छो कि दुइये में कह दिया तुम अंग्रेजी ले बुला सकता, हिंदी ले और कितने पहाड़ में ले, तीनों में दिन से तुमों के। हाँ हाँ बोल सकती हूँ। होय, हाँ तीनों में दिन से तुमों के एक मैसेज जो हमारे आजाक जो स्टूडेंट्स हैं उनों के अगर दिन होलो तो यथोत के क्यों होल तुम्हारे तरफ बटी, तीनों में दे दिया, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में फिर पहाड़ में। सेम चीज दोनों ताकि सब समझ जाए हाँ क्या हाँ बिल्कुल मीन बिल्कुल है। तो सब समझ जाल। होय होय, फर्स्ट थिंग इन इंग्लिश आई से दैट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट इन विच फील्ड यू आर गुड, फर्स्टली इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। सो इट्स माय मैसेज टू ऑल। मैं हिंदी में कह रही हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, आप क्या कर रहे हो, ये जरूरी है कि पहले सबसे पहले आप डिसिप्लिन रहो और डिसिप्लिन ही आपको किसी भी अचीवमेंट के किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए आपके लिए जरूरी है। और फाइनल गोल से समय जरूरी है कि तुम डिसिप्लिन रहा समय तुम कई लोग कई फील्ड में लगे बहुत है बहुत है फला। भोल बुला कमला तुम बोल सो, बहुत है तुमके बहुत बहुत धन्यवाद और अगिल के तुम बहुत है भोल करे। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो।